Hey guys, good morning to all of you and happy Tuesday. क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ. तो आप लोग कैसे हो? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मूड नहीं सही होता है तो वीडियोज़ बनाने में भी मन नहीं करता. कभी कभी मैं सोचती हूँ जो व्लॉगर्स होते हैं तो उनका जब मूड ख़राब होता है तो वो वीडियो बना कैसे लेते हैं. एक्चुअली वो मतलब इतने बड़े क्रिएटर हो गए हैं अब कि उनका मूड भी ख़राब होता है ना तो वो उस मूड पे ही वीडियो बनाते हैं कि आज मेरा मूड ख़राब है, आज ऐसा है. बट अभी हम लोग इतने बड़े वाले क्रिएटर नहीं हैं, स्पेशली मैं भी इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ. तो कभी कभी जब मूड नहीं सही होता है तो क्या वीडियो बनाने का मन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता यार, बिल्कुल. मतलब होता ही नहीं है कि कैसे बना लो यार. जब आपका मूड नहीं सही हो तो आप कैसे वर्ड्स बोल सकते हो कुछ भी. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, जब मूड सही होता है तो किसी से बात करने का मन करता है कि आप बिल्कुल भी नहीं करता है. तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में. तो फिलहाल और आप लोग बताइए, आप लोग को मेरे ब्लॉग्स जो देख रहे हैं बढ़िया लग रहे हैं ना? कमेंट तो किसी को करना ही नहीं होता है. और आप देखिए, ये मैं जब सुबह तैयार होती हूँ तो मैं अक्सर ही मतलब गाने लगा लेती हूँ. कभी मेरी टीवी जो मेरे रूम में टीवी है, FM लगा लेती हूँ. बाहर में गाने सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं पुराने. कभी कभी ना पुराने गाने सुनने इतने अच्छे लगते हैं, बस ऐसा लगता है कि सुनते रहो. क्योंकि पुराने गानों में कुछ तो बात है जो कभी भी आदमी बोर नहीं हो सकता. इवन हमारी जो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन होगी ना, वो भी ये वाले सॉन्ग सुनेगी जो हम लोग सुन चुके हैं. और जो अभी सॉन्ग्स आते हैं वो आके तुरंत चले भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है. फिर कोई बोला कि वो अभी भी आपने देखा होगा DJ में भी वो जो पुराने वाले सॉन्ग्स होते हैं तड़क भड़क वाले वो बजते हैं, या अभी जो लेटेस्ट आए होते हैं वो बजते हैं. ठीक है, जो पुराने गानों की तो बात ही अलग है, आपका पूरा मूड फ्रेश कर देते हैं. सही बात है. और अभी मैं रेडी हूँ, मेरी गाड़ी आने वाली है, स्कूल जाऊँगी मैं भी. और मैं आराम से लीड लगाती हूँ, गाने सुनते हुए जाती हूँ. सच में मूड एकदम फ्रेश हो जाता है सुबह मॉर्निंग में गाने सुन के. बढ़िया, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, या मूड जब सही नहीं होता है तो अपने फेवरेट सॉन्ग सुन के. कई लोगों का मूड सही होता होगा तो कमेंट में बताइए किसका किसका गाने सुनने से मूड सही होता है. और मुझे हाँ एक चीज़ और बोलनी है कि कई लोग ना मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कई नहीं काफ़ी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं. ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है. तो किसी को लाइक नहीं करना होता है, किसी को कमेंट नहीं करना होता, ये तो मुझे दिखता है, समझ में आता है. लेकिन व्लॉग सबको देखना होता है, वीडियो सबको देखने होते हैं. बट कोई नहीं, कभी ना कभी तो मैं भी फेमस होंगी. तो लेट्स सी क्या होता है. तो ये छोटा सा व्लॉग, बहुत क्यूट सा छोटा सा व्लॉग बनाया था. ऐसे ही बस बैठी थी, जस्ट हैवी मूड आया कि चलो एक व्लॉग बना लिया जाए. पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ भी आ रही होगी. और कॉपीराइट क्लेम आया या कुछ भी आए बट मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी. अच्छा, तो आप लोग ना अपना पुराना जो भी आपको ओल्ड सॉन्ग पसंद है, किसी भी टाइम का, 90s का, 2000 का, 3 का, 4 का, 5 का, जो भी आपको पसंद है पुराने सॉन्ग्स, वो आप कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में. तो मुझे देखना है कि सबकी पसंद कैसी है, क्या मुझे ही सिर्फ पुराने गाने पसंद है या और भी लोगों को पुराने गाने पसंद है. और जो भी मेरे वीडियो देख रहा हो तो कमेंट कर देना आप लोग. तो चलिए, ये मेरा बैग विद मेरा लंच रेडी है और अभी मेरी गाड़ी आएगी, फिर हम लोग निकलेंगे. धूप देखिए कितनी प्यारी हो रखी है, सुबह के लिए सिर्फ ये प्यारी लगती है और शाम में मतलब दोपहर के टाइम तो बहुत बोरिंग हो जाता है क्योंकि मार्च चल रहा है, सिर्फ नींद आती रहती है दिन भर. जितनी अभी प्यारी लग रही है ना, ये ना दोपहर के टाइम ऐसा सर में पेन होता है, सब तब बस सोते रहो, इतना नींद आती है इस मार्च में. तो अभी थोड़े दिन की बात और है और मेरा समर वेकेशन हो जाएगा, बट कुछ दिन के लिए, क्योंकि क्या ही बताएं. तो होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आता है मुझे पता है. और अगर पसंद आ रहा है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं. बट आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो और आप एक कमेंट कर भी देंगे तो मेरे लिए वो अच्छी चीज़ होती है. पर कोई नहीं, पर थैंक यू जिसने मेरे वीडियो देखे हैं, जो भी मेरे वीडियो देखता है, थैंक यू सो मच. और आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टा की आईडी यहाँ पे दे दूंगी. आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे रील्स देख सकते हो, मुझे DM भी कर सकते हो. ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो. तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आपका मन हो तो, अदरवाइज क्या ही बोल सकती हूँ. तो बाय, थैंक यू.